अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एवोकाडो टोस्ट बताऊंगी बनाना। बहुत ईजी, बहुत आसान तरीका है, उसको घर पे आराम से बना सकते हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद आता है। मेरे पास तीन था लेकिन मैंने एक का जो है मिल्क शेक बना के पी लिया, दो बच्चे हैं तो बच्चों को फरमाइश थी, तो मैं जो है ब्रेड टोस्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे एवोकाडो टोस्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दो एवोकाडो ली हूँ और चार ब्रेड हैं, ओलिव ऑयल तेल, तिल्ली ब्लैक और वाइट दोनों तिल हैं, इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। चिली फ्लेक हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर हमने क्रश कर लिया, ताज़ा ही लीजिएगा। हाफ टी स्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार। दो टेबल स्पून टमाटर, एक टेबल स्पून हरी धनिया और दो टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज। पाँच से छः जब हमने बड़े बड़े इसको कद्दूकस कर लिया है, अभी कद्दूकस कर लीजिएगा डालिए। तो सबसे पहले इसको जो मैं काट लेती हूँ और इसको जो है टोस्ट को जो है फ्राई करूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको छील के काट लिया है इस तरह। सब इसको जो है फोक की मदद से इस तरह से बिल्कुल दम मेज कर देंगे ताकि इसमें जो एक भी जंत ना रहे। और यहाँ पे जो इसका छिलका है इसका स्क्रब बना सकते हैं। उसको मिक्सी जार में डाल के एक चम्मच चावल भिगा के इसके साथ पीस लीजिए और चेहरे पे ये लगाइए। चार पाँच मिनट अच्छे से चेहरे पे स्क्रब करेंगे ना, बहुत अच्छा चेहरा आपका हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है मेज कर लेती हूँ। हाथ से मेज करने में थोड़ा टाइम लगा, अगर आपको चाहिए तो मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा जो है घुमा लेने का। तो चलिए इन सब चीज़ों को डाल देती हूँ, प्याज टमाटर हरी धनिया और जो है लहसुन, इन सबको मिला लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे डाल दूँगी मैं चिली फ्लेक्स और जो है ब्लैक पेपर और नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी मैं आधी चम्मच तिल्ली। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, थोड़ा सा डालेंगे और बाकी थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे। तो सारी चीज़ें डाल देती हूँ इसमें। नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगेगा तो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसमें से नमक हमने चेक कर लिया है, बहुत परफेक्ट नमक है। आपको नमक कम ज़्यादा जैसे यूज करते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सलाद के तौर पे भी इस तरह से भी खा सकती हैं मैस करके, या तो बारीक बारीक काट के प्याज और सारी चीज़ें डाल के इस तरह से भी खा सकती हैं। तो चलिए हम जो है ब्रेड को थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फ्राई पैन रख दिया, इस पर लगा दूँगी थोड़ा सा बटर। आप बिना बटर के भी जो है सेक सकते हैं, तो मैं थोड़ा बटर लगा देती हूँ। वैसे तो उसमें बटर ही बटर है एवोकाडो में। चारों बटर को इस तरह से सेक लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए चारों जो है हमारे ब्रेड रोस्ट हो चुके हैं, इस तरह से हमने रोस्ट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने ब्रेड को रोस्ट कर लिया है। अब इस पर लगा दूंगी मैं एवोकाडो का जो मैंने मिक्स बनाया है, इस तरह से हमको लगाना है। ये बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा आप लोग। तो इस तरह से देखिए हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे, इस पर थोड़ा से सिसम सीड यानी तिल डालेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इस तरह से, और ब्लैक पेपर, आप वाइट पेपर ब्लैक पेपर दोनों इस तरह से, और इस पर डालेंगे मैं ये, और इसी पे डालेंगे थोड़ा सा ओलिव ऑयल। आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे। सारे टोस्ट को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। लगा ली मैं, चार ली थी लेकिन मेरे दोनों बच्चे मदरसा से आ गए तो मैं उनके लिए भी बना लिया। तो यहाँ भी देखिए सारे तैयार हो गए। तो यहाँ भी हमने ओलिव ऑयल तेल रखा हुआ है, ये देखिए जैतून का तेल है, और इस पर डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा इस तरह से। आप देख सकते मैं सारे पे डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जान डालना है, ऐसा नहीं है ज़्यादा भी चला जाएगा तो कोई मुश्किल नहीं है, वो फ़ायदे की चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे होती है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो लोग बनवाते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकती हैं हमने कितना बढ़िया सा टेस्ट करके आपको बताऊँगी कैसा मेरा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। चलिए मैं ले चलती हूँ, वहाँ पे सब टीवी देख रहे हैं हॉल में, वहाँ पे ले जाके उनसे टेस्ट करवाती हूँ, फिर आपसे बताती हूँ। मैं चुप से इन लोग नहीं बताऊंगी, वो बनाया अब टेस्ट करके बोलेंगे। ओके, ये मेरी मरियम को ना बहुत पसंद है, वो रात को रोज फेस पे लगवाती है, हाथ पैर में, और पीती भी है एक ढक्कन। तो आप लोग भी अपने बच्चों को पिलाइए। तो यहाँ पे देखिए सब लोड मार रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं, जैसे लगता है कि कौन सालों को समझ में नहीं आया। फटाफट बताइए आप लोग खा के कैसे बनाइए, देखिए ना वाह, देख सकती है पास से बिल्कुल बनाना। आप लोग जरूर बनाइए, गार्लिक ब्रेड से वाओ यम्मी एंड टेस्टी। चलिए अल्लाह हाफिज़।